हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू रियल स्टडी। दोस्तों एसएससी सीजीएल, एसएससी एमटीएस और एसएससी जीडी 2024 की स्पेशल एग्जाम से रिलेटेड फाइनली नया जो वीडियो है ये आपके लिए आ चुका है। और यहाँ पर हम एसएससी जीडी 2025 के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट लेवल के क्वेश्चंस कवर करेंगे, यानी कि एसएससी एग्जाम्स की अगर आप तैयारी करें गाइस तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि पिछले 5 वर्षों में एसएससी की परीक्षाओं में पूछे गए नए पैटर्न के जो क्वेश्चन है, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न की सीरीज हमारी ये रहेगी। और सबसे खास बात ये रहेगी कि जो कि टॉपिक वाइज सीरीज रहेगी स्टैटिक जीके की, तो यहाँ पर हम सारे टॉपिक आपको कवर करवाएंगे पूरे जीके का। आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट सीरीज ये हो सकती है। तो पिछले 5 वर्षों के जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में, एसएससी एग्जाम में पूछे गए, सारे आपको विद प्रूफ हम आपको यहाँ पर बताते चलेंगे, क्लियर है। और आप सभी को बताइए नया पैटर्न जो है ये क्या है, और वहीं से आपके सबसे ज्यादा क्वेश्चन बन रहे, तो इन क्वेश्चन को आप अच्छे से कर लीजिएगा, क्लियर है। स्टैटिक जीके का हमारा ये पहला पार्ट रहेगा सीरीज का, और यहाँ पर अगर आपका अच्छा सपोर्ट और रिस्पांस रहा तो एग्जाम से पहले इस सारी सीरीज को हम आपको कवर करवा देंगे, और आपका अच्छा खासा जो स्कोर है यहाँ से आपको देखने को मिलेगा इसी की मदद से, क्लियर है। तो स्टैटिक जीके में आज का हमारा जो बेसिकली टॉपिक रहेगा कला एवं संस्कृति से त्यौहार उत्सव यानी कि फेस्टिवल हमारा आज का टॉपिक है। इससे आपकी पता ही आपको कि आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट होते हैं, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, इसी के बारे में आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो की पीडीएफ फाइल भी आपको मिल जाए तो आपको क्या करना है, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। साथ ही टेलीग्राम चैनल और ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, इनकी भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, क्लियर है। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा, ताकि जैसे ही सीरीज का नेक्स्ट पार्ट आए जल्दी से आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण ये सीरीज होने वाली है। तो आइए स्टार्ट करते हैं गाइस हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा मेघालय की डेज जनजाति का सा, यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, मेघालय की डेज जनजाति का साध मस्तिही, इसका नाम ही है का साध मस्तिही, तो ये आप देख सकते हैं, या फिर विजय नृत्य जनजाति के रूप में के प्रमुख त्यौहार के दौरान किया जाने वाला जो प्राचीन युद्ध नृत्य है इसका नाम क्या है। तो मेघालय में आपको बताइए खांसी जो जनजाति है ये कब सबसे प्रसिद्ध है मेघालय की, तो खांसी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। मेघालय की खांसी जनजाति का साध मस्ती या फिर विजय नृत्य जनजाति के प्रमुख त्यौहार के दौरान किया जाने वाला एक प्राचीन जो युद्ध नृत्य है ये खांसी, तो आपको ये याद रखना है खांसी जनजाति का साध मस्ती। अगला क्वेश्चन है हमारा, और ये एसएससी एमटीएस हवलदार की एग्जाम हुई थी आपकी 4/9/2023 को, सेकंड शिफ्ट में आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं हम विद प्रूफ आपको बताते चलेंगे। अगला क्वेश्चन है बुद्ध पूर्णिमा हिंदू महीने में देश में पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। अब ये जो बुद्ध पूर्णिमा है ये हिंदू महीने का जो कैलेंडर है, हिंदू कैलेंडर, इसके अनुसार पूर्णिमा में किस जो महीना है इसके दौरान कौन से महीने की पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है, बुद्ध पूर्णिमा नाम से ही क्लियर है, तो आपका करेक्ट आंसर वैसाख रहेगा। वैसाख यानी कि वैसाख में जो पूर्णिमा है इसके दिन बुद्ध पूर्णिमा हिंदू महीने के कैलेंडर के अनुसार मनाई जाती है। ये भी क्वेश्चन आपका एसएससी एमटीएस हवलदार के एग्जाम में पूछा गया 2023 में सेकंड शिफ्ट में, क्लियर है। अगला क्वेश्चन है सिख साहित्य के अनुसार गुरु नानक देव की जयंती भारतीय चंद्रमा के डेस की पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है, तो ये कार्तिक जो पूर्णिमा है इसके दिन मनाई जाती है, याद रखिएगा। सिख साहित्य के अनुसार गुरु नानक देव जी की जो जयंती है भारतीय चंद्रमा के जो कार्तिक महीने की पूर्णिमा है इस दिन मनाई जाती है, तो कार्तिक महीना आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ये भी आपका एसएससी में पूछा गया है, हम बार बार आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ऐसा कहकर हमने मेंशन कर दिया है, आप देखते जाएगा कि कौन सा किस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। बाकी इंपॉर्टेंट लेवल के हैं, आपको अगर नोट डाउन करना चाहें तो कर सकते हैं, पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, हमने आपको बता दिया है, और आप इनको अच्छे से देख लीजिएगा। आपको सबसे ज्यादा 100% गारंटी के साथ कह सकते हैं गाइस एक सिंगल क्वेश्चन यहाँ से आपका बाहर नहीं होगा अगर ये सीरीज आपने पूरी कंप्लीट कर ली तो। चलिए अगला क्वेश्चन है चपचार कूट, यहाँ से आप देख सकते हैं इंग्लिश में भी हमने डाल दिया यहाँ पर। चपचार कूट देश राज्य का एक त्यौहार है, ये जो है झूम ऑपरेशन यानी कि झूम खेती जो है झूम ऑपरेशन को सबसे कठिन कार्य यानी जंगल साफ करने, जलने के अवशेषों को साफ करना, इसके पूरा होने के बाद मार्च के दौरान मनाया जाता है। तो ये किस राज्य में मनाया जाता है ये आपसे पूछा गया है, चपचार कूट त्यौहार ये बेसिकली है तो ये मिजोरम का है, मिजोरम आपका करेक्ट आंसर रहेगा। यहाँ पर कुछ और भी डिटेल आपको दे दिए जिससे आपको हेल्प मिलेगी क्वेश्चंस को सोल्व करने में। तो मिजोरम चपचार कूट त्यौहार के लिए स्पेशली जाना जाता है, ये झूम जो ऑपरेशन है ये झूम खेती है इसके लिए जाना जाता है। झूम खेती क्या है, तो इसमें जंगल साफ करने या फिर जंगल में जो भी कचरा वगैरह होता है जंगलों को साफ किया जाता है और वहां पर फिर खेती की जाती है, झूम ऑपरेशन बेसिकली ये रहता है, और जलने के अवशेषों को साफ यहाँ पर किया जाता है पूरा, उसके पूरा होने के बाद ही मार्च के दौरान ये मिजोरम में मनाया जाता है, तो हमारा मिजोरम बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा गया एसएससी एमटीएस हवलदार 2023 में, एसएससी 10+2 सीएचएसएल में क्वेश्चन बनाए हैं, एसएससी सीएचएसएल में क्वेश्चन बनाए और एसएससी जीडी में भी क्वेश्चन बनाए, यानी कि काफी ज्यादा बार ये जो क्वेश्चन है आपका रिपीट हो चुका है, आगे भी देख के रखिएगा, हो सकता है आपका सीजीएल में भी ये क्वेश्चन बन जाए। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा,
देश गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर किस सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है, और यह हर साल मानसून यानी कि मध्य जून के मौसम में आयोजित किया जाता है, जब मंदिर जो है तांत्रिक अनुष्ठानों के लिए 3 दिनों के लिए बंद रहता है। तो ये जो मनाया जाता है गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है, इसका नाम आपको बताइए अंबुबाची का मेला है। ये अंबुबाची का जो मेला लगता है ये कहाँ पर लगता है, तो ये लगता है गुवाहाटी असम में कामाख्या मंदिर में। क्लियर है, यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है ये, और ये हर साल मध्य जो जून के महीना है इसमें मनाया जाता है, मध्य जून में। क्लियर है, जब मंदिर तांत्रिक अनुष्ठानों के लिए 3 दिनों के लिए बंद होता है तब इस मेले का आयोजन यहाँ पर किया जाता है, इस त्योहार का आयोजन होता है। तो ये असम आपका करेक्ट आंसर रहेगा, असम के गुवाहाटी में ये लगता है। SSC MTS SSC CHSL टायर 1 और CPO SI ये 3 एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका एज इट इज क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, तो इसलिए इन क्वेश्चन को अच्छे से देखा जाए। चलिए अगला क्वेश्चन है, त्रिपुरा की खराची पूजा एक हिंदू त्यौहार है जिसमें पृथ्वी सहित देश हिंदू देवताओं की पूजा की जाती है। अब ये जो त्रिपुरा की खराची जो पूजा है ये एक हिंदू त्यौहार है और इसमें पृथ्वी के साथ साथ 14 हिंदू देवताओं की पूजा की जाती है। कितने? 14 हिंदू अन्य देवताओं की पूजा भी इसमें की जाती है पृथ्वी के साथ साथ। तो आपका 14 यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा MTS का क्वेश्चन है ये 2023 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में साल्सबर्ग महोत्सव इसमें नृत्य प्रदर्शन के लिए किसको एक राजसी भारतीय शास्त्रीय नर्तक के रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है अलार मेल वल्ली को, अलार मेल वल्ली इनका नाम है। 2024 के साल्सबर्ग महोत्सव में नृत्य प्रदर्शन के लिए अलार मेल वल्ली को एक राजसी भारतीय शास्त्रीय नर्तक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देश त्योहार राक्षस राजा महिषासुर पर देवी दुर्गा की विजय का प्रतीक है। तो राक्षस राजा था महिषासुर, इस पर देवी दुर्गा की विजय हुई थी और इसी विजय के उपलक्ष्य में या इसी विजय का प्रतीक बेसिकली माना जाता है नवरात्रि का त्यौहार। नवरात्रि जो मनाया जाता है ये इसी के उपलक्ष्य में बेसिकली मनाया जाता है ना। तो नवरात्रि का जो त्यौहार है ये राक्षस राजा महिषासुर पर देवी दुर्गा की विजय का प्रतीक बेसिकली माना जाता है। तो ये आप याद रखिएगा, इससे सीधे सीधे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अब क्वेश्चंस का यहाँ से फॉर्मेट भी आपको चेंज कर सकता है, एग्जाम जो पेपर आपको देखने को मिलेगा वहां पर इस तरह से भी क्वेश्चंस हो सकता है आपका कि नवरात्रि जो त्यौहार है इसमें किसकी विजय के उपलक्ष्य में इसको मनाया जाता है या किस राक्षस पर दुर्गा देवी की विजय के उपलक्ष्य में का प्रतीक ये है। तो ऐसे करके आपसे किसी का भी नाम यहाँ से पूछ सकता है, तो आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा, आसानी से आप क्लिक कर पाएंगे सभी तरह के क्वेश्चंस को। ये आपका इलेक्ट्रिकल जी यानी इंजीनियर SSC इंजीनियर वाली जो एग्जाम है इसमें बना है, MTS में भी आपका ये बना है। नेक्स्ट बात करते हैं, उससे पहले हम थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दें आपको गाइस। देखिए SSC CGL की हमारी स्पेशल टेस्ट सीरीज है, ये टेस्ट सीरीज बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है ये पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज। इसमें 500 से अधिक टेस्ट डले हैं, 280 प्लस चैप्टर वाइज टेस्ट है, सेक्शनल सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज सारा टेस्ट डला है, करंट अफेयर का अदर टेस्ट है, PDF फाइल नोट्स वगैरह, दुनिया भर की चीजें जितनी भी आपकी एग्जाम की तैयारी करने में आपको लगेंगी सारी यहाँ पर आपको मिल जाएंगी, आपको कहीं और भटकने की जरूरत नहीं है। और इसका डेमो जो है एप्लीकेशन पर डाला है, आप एक बार जरूर से विजिट करके डेमो चेकआउट कर लीजिएगा, क्योंकि इससे एडवांस टेस्ट सीरीज मुझे नहीं लगता है कि आपको शायद और कहीं मिल पाएगी, और वो भी बिल्कुल नॉमिनल फीस में यानी कि नाममात्र के शुल्क में। आप मतलब विश्वास नहीं करेंगे कि इतने कम प्राइस में आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। तो आप जरूर से स्पेशल ऑफर के तहत अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, विजिट करके ले सकते हैं। और ये जो स्पेशल ऑफर है लिमिटेड टाइम के लिए, अगर आप अभी परचेस करेंगे तो हो सकता है आपको इसका बेनिफिट मिल जाए। कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है तो आप हमें नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, यहाँ से आपके जो भी डाउट्स होंगे आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। इसके अलावा गाइज MTS की भी हमारी स्पेशल टेस्ट सीरीज है, इस पर भी आपको 500 से अधिक टेस्ट है, 280 प्लस चैप्टर वाइज सब्जेक्ट वाइज पूरा मटेरियल यहाँ पर डला है, यानी जितने एग्जाम में आपको तैयारी करने में जरूरत लगेगी सारा का सारा यहाँ पर आपको मिल जाएगा। इसका भी डेमो एप्लीकेशन पर डला है, स्पेशल ऑफर के साथ साथ काफी कम प्राइस में ये नाममात्र के शुल्क पर आपको दी जा रही है, लिमिटेड टाइम है। अगर आप इसी में इनरोल कर लेते हैं लिमिटेड टाइम में तो ही आपको इसका ऑफर का लाभ मिल पाएगा, तो आप जल्दी करें क्योंकि लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है, जल्द ही ऑफर समाप्त हो सकता है। कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है, नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके साथ हमारी MPSI की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाली, इस पर भी ऑफर चल रहा है स्पेशल, तो आप जरूर से डिस्क्रिप्शन में लिंक एक बार जरूर से विजिट करिएगा। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन से कंटिन्यू करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, 4 दिवसीय फसल कटाई उत्सव पोंगल आम तौर पर देश में मनाया जाता है। देखिए 4 दिवसीय फसल कटाई उत्सव है पोंगल, और इसका तो आप सभी को बताइए पोंगल, पोंगल से हर एक एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। क्लियर है, तो पोंगल जो है ये आमतौर पर देश में मनाया जाता है। ये कहाँ पर मनाया जाता है? दक्षिण भारत में ही मनाया जाता है, दक्षिण भारत में मनाया जाता है पोंगल। इसी तरह के उत्तर भारत, दक्षिण भारत, मध्य भारत, इस तरह से ऑप्शन आपको दे रखे थे। तो 4 दिवसीय फसल कटाई उत्सव है पोंगल, ये बेसिकली दक्षिण भारत का एक त्यौहार या उत्सव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणगौर एक भारतीय त्यौहार है जो प्रमुख रूप से देश में मनाया जाता है। गणगौर जो है ये एक प्रमुख भारतीय त्यौहार है, ये प्रमुख रूप से राजस्थान जो राज्य है यहाँ पर मनाया जाता है। SSC GD का क्वेश्चन है पिछले साल का, और MTS का भी पिछले साल ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था, यानी कि आप देख सकते हैं SSC GD की एग्जाम हुई, MTS की एग्जाम हुई थी मई में,
है ना, सबसे पहले हुई थी जीडी की एग्जाम फरवरी में, है ना, 6 फरवरी 2023 को। उसके बाद में 15 मई 2023 को एग्जाम हुई थी एमटीएस की, तो उसमें सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट हो चुका था। तो ऐसे ही करके आपकी एसएससी जीडी की एग्जाम अभी हो चुकी है, इसके अलावा एसएससी सीपीओ की हो चुकी है, आपकी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की आपकी हो चुकी है। तो जो जो एग्जाम जो है ये एसएससी कंडक्ट करवा रहा है, इनके सभी क्वेश्चन हम आपके लिए इसीलिए लेकर आए ताकि जो भी क्वेश्चन रिपीट आपको देखने को मिले सारा आपका यहाँ से कवर हो पाए। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, माघी भारत के डिस त्योहार का एक अन्य नाम है। तो माघी जो बोला जाता है ये मकर संक्रांति का एक अन्य नाम है, मकर संक्रांति याद रखिएगा, माघी के नाम से भी ये स्पेशली जाना जाता है। जीडी का क्वेश्चन है 2023 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अरुणाचल प्रदेश का एक कृषि उत्सव है जो गालो जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तो गालो जनजाति जो अरुणाचल प्रदेश में कृषि उत्सव मनाती है, इसका नाम क्या है, मोपिन इसका नाम है। अरुणाचल प्रदेश का एक कृषि उत्सव है मोपिन, गालो जो जनजाति है इसके द्वारा ये बेसिकली मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, फाजिल यानी कि आपका जो महोत्सव है ये विरासत महोत्सव, फाजिल का इसका नाम है, फाजिल का। तो फाजिल का विरासत महोत्सव जो कि कला संस्कृति और भोजन का वार्षिक उत्सव है, ये किस राज्य में मनाया जाता है, ये आपसे क्वेश्चन बनाए। और अगर आप प्रैक्टिस करना चाहें तो आप भी इसका राइट आंसर अपने माइंड से क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है। करेक्ट आंसर पंजाब रहेगा यहाँ पर। देखिए फाजिल का जो विरासत महोत्सव है, कला और संस्कृति भोजन का वार्षिक उत्सव है, पंजाब राज्य में ये मनाया जाता है। एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 28 जून 2023 में जो पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आपका बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धार्मिक त्यौहार देश तेलंगाना में पिरला पांडुगा के नाम से जाना जाता है। तो ये एक धार्मिक त्यौहार है जो कि तेलंगाना में पिरला पांडुगा के नाम से जाना जाता है। इसका नाम क्या है, इसका नाम है मुहर्रम। मुहर्रम का ये धार्मिक त्यौहार है, तेलंगाना में पिरला पांडुगा इसको बोला जाता है। तो ये नाम आप स्पेशली याद रखिएगा, यहीं से इसीलिए ये क्वेश्चन आपका बना है क्योंकि थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट यहाँ पर कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, हिंदू कैलेंडर के देश के दिन होली का त्यौहार जो है मनाया जाता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार जो होली का त्यौहार है ये किस महीने की किस दिन मनाया जाता है, ये आपसे बेसिकली पूछा गया है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आसानी से आप जवाब दे देंगे, क्योंकि थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है ये आपका, और तो थोड़ा सा दिमाग का यूज करेंगे तो आसानी से इसको बना लेंगे। क्लियर है। हिंदू कैलेंडर के किस दिन होली जो है ये मनाई जाती है, तो फागुन पूर्णिमा जो है इस दिन मनाई जाती है होली, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फागुन की पूर्णिमा। अगला क्वेश्चन है, शाही स्नान नाम का विशेष पारंपरिक स्नान देश त्योहार का एक प्रमुख कार्यक्रम है। शाही स्नान आपको पता ही होगा, शाही स्नान कहाँ पर कब यूज होता है। शाही स्नान की अगर अपन बात करें तो ये कुंभ जो मेला है इसके दौरान आपको विशेष करके सुनने को मिलता है कि शाही स्नान, और कुछ तिथियां भी होती है स्पेशली दी जाती है जिस दिन शाही स्नान होता है। तो कुंभ मेले के दौरान ये वर्ड जो है आपको अक्सर बार सुनने को मिलता है, तो बस यहीं से आपको पकड़ना है शाही स्नान, यानी कि कुंभ मेले से रिलेटेड है ये। इसका नाम विशेष पारंपरिक स्नान है, कुंभ जो त्यौहार है, कुंभ मेला त्यौहार, इसका एक प्रमुख कार्यक्रम ये माना जाता है। CHSL टीयर 1 की एग्जाम हुई थी 20 मार्च 2023 को, उसमें ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय शहर देश अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2023 का मेजबान है। तो 2023 का जो मेजबान था, जो कि भारतीय शहर था, इसका नाम क्या है, अहमदाबाद। अहमदाबाद ये भारतीय शहर अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2023 का मेजबान था। आपका ये क्वेश्चन करंट का बना था उस टाइम पर 2023 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देश सस्पोत्सव है ना, इसका नाम ही सस्पोत्सव है, और कर्नाटक में नवंबर दिसंबर के महीने में मनाया जाता है। तो यहाँ पर इसका पूरा नाम क्या है, ये आपसे पूछा गया है सस्पोत्सव का। तो याद रखिएगा इसका पूरा नाम है हुतरी सस्पोत्सव, कर्नाटक में नवंबर दिसंबर तक जो महीना है इसमें बेसिकली मनाया जाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। अगला क्वेश्चन है आपसे, देश राज्य में गुरुंग समुदाय द्वारा तमु लोसार त्यौहार नए साल के त्यौहार तौर पर मनाया जाता है। तो नए साल के तौर पर जो बेसिकली लोसार त्यौहार अगर बात करें अपन, गुरुंग समुदाय द्वारा तमु लोसार त्यौहार नए साल के तौर पर मनाया जाता है, तो किस राज्य में मनाया जाता है, सिक्किम में मनाया जाता है, याद रखिएगा सिक्किम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन थोड़ा सा आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर समुदाय भी दे रखा है, त्यौहार का नाम भी दे रखा है, राज्य आपसे पूछा है। क्लियर है। तो ऐसे ही करके अगर आपसे राज्य दे रखे, समुदाय पूछ लिए और त्यौहार का नाम दे रखे, या फिर त्यौहार का नाम ही मिसिंग कर दे, तो इसमें थोड़ी सी डिटेल आपको 3-4 चीजें याद रखनी होगी, तभी आप इसको बिल्कुल अच्छे से कवर करवा पाएंगे। अगला क्वेश्चन है, मकर विल्लाकू उत्सव भारतीय राज्य में, किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है, इस तरह से क्वेश्चन बना है। तो मकर विल्लाकू जो उत्सव है ये मनाया जाता है केरल में। केरल आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, केरल आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुसलमानों द्वारा मनाया जाने वाला देश त्यौहार 12 वफात के नाम से भी जाना जाता है। तो 12 वफात के नाम से मुसलमानों के द्वारा मनाया जाने वाला जो त्यौहार है इसका नाम क्या है, इसका नाम है मिलाद उल नबी। मिलाद उल नबी जो है ये मुसलमानों द्वारा मनाया जाने वाला एक त्यौहार है, जिसको 12 वफात
फात के नाम से भी जाना जाता है, तो इसका नाम आप एक बार देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, नाग पंचमी हिंदू कैलेंडर के किस महीने में मनाई जाती है? नाग पंचमी जो मनाई जाती है हिंदू कैलेंडर के किस महीने में मनाई जाती है? और गाइज ये पिछले साल सीजीएल में आपका क्वेश्चन बना था, एसएससी सीजीएल टीयर 1 14 जुलाई 2023 को ये क्वेश्चन पूछा गया था फोर्थ शिफ्ट में। तो आप याद रखिएगा, नागपंचमी जो मनाई जाती है हिंदू कैलेंडर के सावन महीने में, श्रावण महीने में ये मनाई जाती है। क्लियर है? श्रावण आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारो त्सेसु, यहाँ पर आपको याद रखना है पारो त्सेसु के नाम से प्रसिद्ध त्यौहार देश जो देश है इसमें मनाया जाता है, तो ये जो मनाया जाता है पारा त्सेसु त्यौहार आपसे पूछा है, पारा त्सेसु जो त्यौहार है ये किस देश में मनाया जाता है, कहाँ का प्रसिद्ध त्यौहार है किस देश का? तो भूटान आपका करेक्ट आंसर रहेगा, भूटान। सीजीएल टीयर 1 में ये पिछली बार पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, गुरु वायूर एकादशी भारत के देश राज्य का सांस्कृतिक उत्सव है? गुरु वायूर एकादशी आपसे क्वेश्चन पूछा है, तो ये भारत के जो केरल राज्य है इसका सांस्कृतिक उत्सव है, ध्यान रखिएगा गुरु वायूर एकादशी भारत के केरल राज्य का एक सांस्कृतिक उत्सव है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, देश त्यौहार के नाम से उबालना या उबालना का अर्थ जुड़ा है? उबालना या उबालना, उबालना का जो अर्थ जुड़ा हुआ है किस त्यौहार से जुड़ा हुआ है? तो ये पोंगल से जुड़ा हुआ है, पोंगल दक्षिण भारतीय नृत्य है, आपको बताइए दक्षिण भारतीय उत्सव है ये पोंगल त्यौहार है, और ये जो है उबालना, जो उबालना अर्थ है इससे जुड़ा हुआ है, तो आपका पोंगल जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर यहां से हो जाएगा। सीजीएल में पिछली बार ये क्वेश्चन आपका एज इट इज बना था। अगला क्वेश्चन है हमारा, बस्तर दशहरा का 10 दिवसीय, आपको याद रखना है बस्तर दशहरा का 10 दिवसीय उत्सव भारत के देश राज्य से संबंधित है, तो ये छत्तीसगढ़ राज्य आपका करेक्ट आंसर रहेगा, बस्तर दशहरा नाम से ही क्लियर है, बस्तर जो दशहरा है ये 10 दिवसीय उत्सव भारत का जो छत्तीसगढ़ राज्य से रिलेटेड है, ये भी पिछले बार सीजीएल में आपका क्वेश्चन बना था। अगला क्वेश्चन है हमारा, असम में बिहू उत्सव वर्ष में कितनी बार मनाया जाता है? ये क्वेश्चन आपसे बना है, असम का बिहू नृत्य है ये आप याद रखिएगा, बिहू नृत्य असम का है और बिहू उत्सव भी यहीं पर मनाया जाता है असम में, तो असम में जो बिहू उत्सव है ये एक साल में 3 बार मनाया जाता है, कितनी बार? एक साल में 3 बार ये मनाया जाता है, और ये क्वेश्चन आपका अभी तक 3 बार रिपीट हो चुका है एसएससी सीएचएसएल में, पिछले साल ही सीजीएल में पूछा गया और उसके 2020 में सीएचएसएल में भी पूछा गया, यानी कि जो रिपीटेड क्वेश्चन है वही लगातार आपको रिपीट देखने को मिल रहे हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, असम के डेस शहर में हर वर्ष चाय महोत्सव मनाया जाता है, तो चाय जो महोत्सव मनाया जाता है ये असम के किस शहर में मनाया जाता है? ये मनाया जाता है जोरहाट जो शहर है असम का, यहाँ पर मनाया जाता है, पिछले बार आपका सीजीएल का क्वेश्चन है ये आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेमिस महोत्सव पर देश धर्म का प्रभाव है, तो हेमिस जो महोत्सव है इस पर किस धर्म का प्रभाव है? इस्लाम धर्म का प्रभाव है इस पर, इस्लाम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, और ये क्वेश्चन अभी तक 4 बार पूछा जा चुका है सीजीएल 2023 में, सीजीएल 2023 में आपका, देखिए सीजीएल 2023 में 17 जुलाई को पूछा गया और 18 जुलाई को वापस से सेकेंड शिफ्ट में पूछ लिया गया, 17 जुलाई 2023 को ये पूछा गया थर्ड शिफ्ट में और 18 जुलाई 2023 को सेकेंड शिफ्ट में वापस से रिपीट हुआ, यानी कि सेम आपके एग्जाम में सेम एक दिन छोड़कर दोबारा से वापस से क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो आप मान के चलेगा क्वेश्चन काफी हद तक आपको जो है यहीं से देखने को आपके एग्जाम में मिल रहा है। ये जी में आपका पूछा गया 2017 में और सीपीयू एसआई जो एग्जाम थी 2019 में भी ये क्वेश्चन आपका एज इट इज आपका पूछा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये हेमिस वाला क्लियर हो चुका है आपका, इस्लाम धर्म का प्रभाव है इस पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, देश त्यौहार टाई ऑफ प्रोटेक्शन शब्द से जुड़ा है, टाई ऑफ प्रोटेक्शन शब्द से जुड़ा जो त्यौहार है इसका नाम रक्षाबंधन है, रक्षाबंधन का त्यौहार ये जुड़ा हुआ है टाई ऑफ प्रोटेक्शन से, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका रक्षाबंधन, सीजीएल का पिछले साल का ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, गुजरात के डेस जिले के गुजरात सरकार द्वारा मोडेरा न्यू नृत्य महोत्सव इसका आयोजन किया जाता है, तो गुजरात का महसाना जिला है, महसाना गुजरात में, यहाँ पर गुजरात सरकार जो है मोडेरा सूर्य मंदिर है, यहाँ पर मोडेरा का सूर्य मंदिर, तो यहाँ पर मोडेरा जो नृत्य महोत्सव है इसका आयोजन किया जाता है गुजरात सरकार के द्वारा महसाना जिले में, आपको ये याद रखना है। क्लियर है? सीजीएल का था यह पिछली बार का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, पुष्कर मेला, अब पुष्कर मेला तो आपको बताइए कहाँ पर लगता है, ये पुष्कर जो मेला है किस राज्य का लोकप्रिय सांस्कृतिक उत्सव है, तो आप सभी को बताइए राजस्थान का है पुष्कर मेला, पुष्कर नाम से ही क्लियर है क्योंकि पुष्कर जो है राजस्थान का एक शहर है, पुष्कर उसी के नाम पर ये पुष्कर मेला लगता है, तो ये तो काफी इजी क्वेश्चन है, आसानी से सभी लोग को ये पता है और आसानी से बना लेंगे। क्लियर है? एसएससी सीएचएसएल टीयर 1 का जो क्वेश्चन है 2023 का, 10+2 का 2017 का ये क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर पॉल कूट यानी कि पोवी कूट भारत के किस राज्य का भगवान को आभार व्यक्त करने वाला यानी कि थैंक्स गिविंग उत्सव है? अब गाइज ये जो क्वेश्चन है एसएससी जीडी में भी एज इट इज पूछा गया था, एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, अभी 2023 में तो नहीं पूछा गया, इसके पहले पूछा गया था क्वेश्चन थैंक्स गिविंग वाला, आभार व्यक्त करने वाला, पालकूट या फिर पावरकूट या पोवीकूट इसको कहा जाता है, तो
ये किस राज्य का है? यह है मिजोरम का। मिजोरम आपका करेक्ट आंसर रहेगा। एसएससी सीजीएसएल आपका 2023 का क्वेश्चन ये है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। प्रत्येक 12 वर्ष के बाद में मनाया जाने वाला महामस्तकाभिषेकम एक देश है, तो ये क्या है? ये एक जैन त्योहार है, याद रखिएगा। 12 वर्ष के बाद में मनाया जाने वाला महामस्तकाभिषेकम या महामस्तकाभिषेक एक कौन सा त्योहार है? तो ये जैन त्योहार है, याद रखिएगा। 12 साल में ही आपको पता है कुंभ मेला भी माना जाता है, बट उस तरह से ऑप्शन यहाँ पर नहीं मिले थे। और ये महामस्तकाभिषेक जो है इसमें बेसिकली इस तरह की चीजें यूज नहीं होती है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर आपका जो है कुंभ तो नहीं होगा बिल्कुल भी, तो जैन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जीडी का क्वेश्चन है 2023 का। अगला क्वेश्चन है महावीर जो जयंती है ये किस महीने में मनाई जाती है? अब ये जो है बेसिकली आपका जो कैलेंडर है इससे ज्यादातर क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है आपके एग्जाम में। तो महावीर जो जयंती है ये किस महीने में मनाई जाती है? ये मार्च और अप्रैल का जो महीना है इस दौरान महावीर जयंती मनाई जाती है। जीडी का क्वेश्चन ये 2023 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिख बंदी छोड़ दिवस मनाते हैं जो हिंदू त्यौहार डेज के साथ मेल खाता है। सिख समुदाय के जो लोग हैं बंदी छोड़ दिवस मनाते हैं, ये क्लियर है बंदी छोड़ दिवस। तो ये हिंदू जो त्यौहार है, हिंदू त्यौहार किस हिंदू त्यौहार के साथ में मेल खाता है? तो हिंदू त्यौहार है दिवाली, दिवाली के साथ ये मेल खाता है। आपका दिवाली बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। सीजीएल का पिछले साल का क्वेश्चन है ये आपका। अगला क्वेश्चन है हमारा देश त्योहार की उत्पत्ति तिब्बती नववर्ष से हुई है और लद्दाख में ये जो हर साल फसल कटाई के अंत में मौसम में जो है बेसिकली मनाया जाता है, यानी कि हर साल फसल कटाई के मौसम के अंत में ये मनाया जाता है और तिब्बती नववर्ष से इसकी शुरुआत हुई है, तो ये इसका नाम है लोसार उत्सव। लोसार उत्सव इसका नाम है, सीजीएल का है 2023 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा देश राज्य में प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी से शुरू होने वाले 5 दिवसीय उत्सव लोकरंग का आयोजन किया जाता है। तो लोकरंग जो महोत्सव मनाया जाता है ये 26 जनवरी से शुरू होता है, किस राज्य में मनाया जाता है? मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। मध्य प्रदेश करेक्ट आंसर आपका रहेगा। सीजीएल 2023 में ये पूछा गया था। अगला है दिवाली, दीपावली जो है हिंदू कैलेंडर के किस महीने में मनाई जाती है? तो दीपावली जो मनाई जाती है हिंदू महीने के, हिंदू कैलेंडर के कार्तिक जो महीना है, कार्तिक महीना इसी के दौरान मनाई जाती है। अगर आपसे और भी ज्यादा चीजें पूछी जाए तो कार्तिक महीने की अमावस्या के दिन ये मनाई जाती है दिवाली, इस तरह से भी आप बता सकते हैं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्तिक महीने में। और ये क्वेश्चन भी काफी बार आपका अभी तक रिपीट हो चुका है। देखिए हमने 2019 तक कुछ क्वेश्चन डाले हैं, उसके बाद वाले क्वेश्चन हमने नहीं डाले, यानी कि ये क्वेश्चन पहले भी पूछे गए बट हमने अभी लेटेस्ट का डेटा उठाया, यानी कि 2021 ज्यादातर फोकस किया है हमने 2023-22 पे, क्योंकि हमें चाहिए था नया पैटर्न और नए पैटर्न का क्वेश्चंस जो है यहीं से मिल सकते थे, इसलिए हमने 2022-23 यहां तक के कुछ क्वेश्चंस 21-20 के भी है तो उन पर फोकस किया है, ताकि हमें नए नए पैटर्न के क्वेश्चंस मिल पाए और आपकी जो एग्जाम की तैयारी है वो काफी नेक्स्ट लेवल हम करवा पाए। तो इसलिए हमने नए पैटर्न के क्वेश्चंस लिए 2023-22-21 की एग्जाम जो हुई है उनसे, जो कि टॉपिक वाइज हम आपको कवर करवा रहे हैं। मान के चलेगा गाइस अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया, हमारा फर्स्ट वीडियो रहेगा बेसिकली ये, इसके बाद में और भी क्वेश्चंस बन जाएंगे हमारे इस टॉपिक से, तो उसको हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करवा देंगे। तो ये दो पार्ट अगर आपने कवर कर लिए इस टॉपिक के, तो गारंटी के साथ कह सकते हैं कि एक सिंगल क्वेश्चन यहाँ से आपका बाहर नहीं जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 5 दिवसीय उत्सव गान नगाई, गान नगाई इसका नाम है, मुख्य रूप से भारत के किस हिस्से में मनाया जाता है? 5 दिवसीय उत्सव गान नगाई मुख्य रूप से जो भारत का एक हिस्सा है उत्तर पूर्वी, इसमें यह मनाया जाता है। तो मुख्य रूप से भारत के उत्तर पूर्वी जो हिस्सा है इसमें मनाया जाता है, गान नगाई इसका नाम है। 5 दिवसीय यह उत्सव है, सीएचएसएल का क्वेश्चन है 2023 का। अगला क्वेश्चन है असम में मकर संक्रांति के दिन देश त्योहार मनाया जाता है, तो असम में मकर संक्रांति के दिन जो त्यौहार मनाया जाता है इसका नाम है माघ बिहू। माघ बिहू का जो त्यौहार है ये मनाया जाता है असम में मकर संक्रांति के दिन। चलिए अगला क्वेश्चन है देश राज्य में सांडो को काबू करने वाला प्रसिद्ध उत्सव जल्लीकट्टू या जल्लीकट्टू मनाया जाता है। अब इसका तो आप सभी को बताइए, सांडो की लड़ाई वाला, सांडो की जो लड़ाई होती है किस उत्सव में होती है? तो ये तमिलनाडु में उत्सव है जल्लीकट्टू, इसमें होती है, और वही क्वेश्चन ये आपका एज इट इज बना है। तो ये क्वेश्चन भी कई बार आपके एग्जाम में पूछे जा चुका है, आप देख सकते हैं विद प्रूफ हमने डाला है आपके लिए, हर एक चीजें आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। अगला है चेतुराल, चेतुराल और फुलाइज ये किस राज्य का त्यौहार है? तो चेतुराल और फुलाइज ये जो है हिमाचल प्रदेश के त्यौहार है, हिमाचल प्रदेश आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सबरी नारायण, सबरी नारायण मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो सबरी नारायण जो मेला लगता है ये लगता है छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ आपका बिल्कुल सही जवाब यहां से चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा सिक्किम में लोसार का त्यौहार नववर्ष के रूप में मनाया जाता है, तो सिक्किम में लोसार का जो त्यौहार है ये नववर्ष के रूप में मनाया जाता है, यहाँ जो है देश चंद्र कैलेंडर के महीने के पहले दिन मनाया जाता है। तो सिक्किम में लोसार अभी हमने कवर करवाया है आपको, लोसार वाला तिब्बती नववर्ष का प्रतीक है बेसिकली, इसी तरह से सिक्किम में लोसार महोत्सव। तो आपको याद रखना तिब्बती जो चंद्र कैलेंडर है, तिब्बती चंद्र कैलेंडर के
पहले महीने में के पहले दिन मनाया जाता है, ये आपका सिक्किम के लोसार जो नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। तो आपको ये याद रखना है, तिब्बती चंद्र कैलेंडर का पहला महीने में पहले दिन में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा टूसू। टूसू जो कि झारखंड में सर्दियों में फसल कटाई के अवसर पर इस माह के अंतिम दिन पर मनाया जाने वाला एक उत्सव है। तो ये मनाया जाता है पौष माह के अंतिम दिन पर मनाया जाने वाला एक त्यौहार है, इसका नाम टूसू है। झारखंड में मनाया जाता है और सर्दियों में फसल जो कटाई है इसके अवसर पर ये मनाया जाता है पौष में, तो आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा ओडिशा का रज पर्व। रज पर्व इसको कहा जाता है, ये त्यौहार है एक बेसिकली। तो रज पर्व जो त्यौहार है जीवंत संस्कृति परंपरा और कृषि जीवन से संबंधित है। यहाँ देश के महीने में 3 दिनों के लिए आयोजित किया जाता है। तो ये जून के महीने में होता है, ध्यान रखिएगा। रज पर्व जो कि जीवन संस्कृति परंपरा और कृषि जीवन से रिलेटेड है ओडिशा का। ओडिशा में जो रज पर्व मनाया जाता है ये मनाया जाता है जून के महीने में 3 दिनों तक ये आयोजित होता है। चलिए आप देख सकते हैं मित्रों सारा हमने डाला है यहाँ पे आपके लिए। अगला क्वेश्चन है हमारा देश खेतों के बीच बोने वाला एक त्यौहार है। खेतों के बीच बोने वाला एक जो त्यौहार है ये कौन सा है? ये झारखंड में मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्यौहार है, तो इसका नाम रोहिणी है। रोहिणी करेक्ट आंसर यहाँ से आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हॉर्नबिल उत्सव भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो हॉर्नबिल जो उत्सव है आप सभी को बताइए नागालैंड से रिलेटेड है। हॉर्नबिल उत्सव नागालैंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कोणार्क नृत्य उत्सव। कोणार्क नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? कोणार्क का सूर्य मंदिर, आपको बताइए कोणार्क का सूर्य मंदिर। तो कोणार्क सूर्य मंदिर जो है सूर्य उत्सव माफ कीजिएगा कोणार्क नृत्य उत्सव जो है ये भारत के किस राज्य में? तो उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। उड़ीसा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस राज्य में गोचा महोत्सव मनाया जाता है? गोचा जो महोत्सव मनाया जाता है ये मनाया जाता है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है और गाइस आपने नोटिस किया होगा आपको जो बिल्कुल 2022 तक तो ठीक है ना, उसके पहले अगर अपन बात करें 2017, 18 और 16 की है ना, इससे पहले की अगर अपन बात करें तो आपको जो है यहाँ पर पैटर्न में जो क्वेश्चंस तो आपको लगभग लगभग वही देखने को मिल रहा है, बट पैटर्न में आपको थोड़ा सा चेंजेस ये देखने को मिला है कि पहले ये देश और रिक्तस्थान वाले जो क्वेश्चंस है ये कम पूछे जाते थे, बट अब जो है इस तरह के क्वेश्चंस आपको ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इसका मेन रीज़न ये है कि इनमें पढ़ने में थोड़ी दिक्कत होती है, दिक्कत होने के साथ साथ बच्चा इसको पढ़कर कन्फ्यूज भी हो सकते हैं कई बार, तो इसलिए यहाँ पर ये जो मेन रूप से इस तरह का क्यों कब किस कैसे उसकी बजाय ये जो है देश देना या रिक्त स्थान देना ये उचित समझते हैं ताकि उसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है ना। तो इसका मेन रीजन यही है, इसमें टाइम भी लगता है क्वेश्चंस को समझने में, इसलिए ये बेसिकली दिया जाता है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन देखते हैं। ओणम प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला एक हिंदू त्यौहार है जिसकी उत्पत्ति भारत के किस राज्य में हुई है? तो ये हुई है केरल में। केरल राज्य में इसकी उत्पत्ति हुई है, आप सभी को बताइए ओणम की, ओणम की उत्पत्ति कहाँ पर हुई है? केरल में। अगला क्वेश्चन है याओ सांग उत्सव भारत के देश राज्य में मनाया जाता है? तो याओ सांग जो उत्सव है ये भारत के मणिपुर राज्य में मनाया जाता है, मणिपुर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय त्यौहार दशहरा का प्रसिद्ध उत्सव है। भारतीय त्यौहार दशहरा कहाँ का प्रसिद्ध उत्सव है, किस राज्य में मनाया जाता है? ये मैसूर पैलेस आपका करेक्ट आंसर रहेगा। भारतीय त्यौहार दशहरा का प्रसिद्ध उत्सव मैसूर जो पैलेस है इसमें मनाया जाता है, ये आपसे पूछा गया है कहाँ पर मनाया जाता है? मैसूर पैलेस में। CHSL में क्वेश्चन पूछा गया था ये आपका। मेघालय का नोंग क्रेन त्यौहार है ये किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो खासी जनजाति है मेघालय में, अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन ही इससे कवर किया था आपका। तो मेघालय का नोंग क्रेन जो त्यौहार है ये किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? खासी जनजाति के द्वारा ये मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, यह कार्यक्रम ईसा मसीह के पुनर्जन्म के उत्सव में मनाया जाता है और इस कार्यक्रम का नाम बताइए। इस कार्यक्रम का नाम है स्टर इसका नाम है, ये भी काफी बार आपका क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मानव पिरामिड बनाने और छाछ से भरे मिट्टी के बर्तन मटकी को तोड़ने का प्रयास करने की गतिविधियों किस त्यौहार से जुड़ी है? तो ये जुड़ी है जन्माष्टमी से। आप देख सकते हैं मानव पिरामिड बनाने छाछ से भरे मिट्टी के बर्तन यानी कि मटकी, आपको मटकी यहाँ पर वर्ड मिल गया, आसानी से समझ जाइएगा कि क्या आपको यहाँ पर बताना चाह रहा है या पूछना चाह रहा है। तो मटकी को तोड़ने का प्रयास करने की गतिविधि किस त्यौहार से जुड़ी है? तो ये जन्माष्टमी के त्यौहार से जुड़ी हुई है। अगला क्वेश्चन है लुई नगाइनी है ना, लुई नगाइनी इसका नाम है त्यौहार का, लुई नगाइनी इस त्यौहार का जो संबंध है किस राज्य से है? तो ये मणिपुर से है, मणिपुर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पारसी समुदाय के नवरोज त्यौहार के अंतर्गत मेहर नामक एक देवता की पूजा की जाती है और ये जो देवता है देश का अधिष्ठा देवता माना जाता है, तो ये चंद्रमा का अधिष्ठा देवता माना जाता है। अगला क्वेश्चन है दशहरा एक प्रसिद्ध त्यौहार है जिसकी शुरुआत देश से हुई है। दशहरा जो है एक त्यौहार है प्रसिद्ध, इसकी शुरुआत हुई है नेपाल से, नेपाल देश से इसकी शुरुआत हुई है, ये भी आपका काफी बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। अगला क्वेश्चन है देश राज्य में प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम उत्सव मनाया जाता है,
तो अंतर्राष्ट्रीय चेरी जो ब्लॉसम उत्सव है ये मनाया जाता है मेघालय में। मेघालय आपका यहां से करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देश में स्थित भगवान अयप्पा के पवित्र उपवन में मकर विल्लकू उत्सव मनाया जाता है। अब ये मकर विल्लकू जो उत्सव है इसको हम ऑलरेडी कवर करवा चुके हैं, अगर आपने देखा है इसी वीडियो में हम अभी आपको कवर करवा चुके हैं एक पूरा क्वेश्चन इससे रिलेटेड। तो आपको केरल हमने बताया था, केरल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि केरल में स्थित भगवान अयप्पा के पवित्र उपवन में मकर विल्लकू जो उत्सव है मनाया जाता है। तो यही आपसे बेसिकली पूछा गया है, आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा, आसानी से पहचान लेंगे क्वेश्चन, और कुछ नहीं है, थोड़ा सा आपको कन्फ्यूज किया गया एक्स्ट्रा डिटेल आपको यहाँ पर बताकर। अगला क्वेश्चन है हमारा, देश त्योहार अमावस्या के दिन आयोजित किया जाता है। तो अमावस्या के दिन आयोजित जो त्यौहार है इसका नाम काली पूजा है, काली पूजा त्यौहार आयोजित होता है अमावस्या के दिन। अगला है देव दीपावली नामक त्यौहार, इस शहर में मनाया जाता है। देव दीपावली नामक जो त्यौहार है ये मनाया जाता है वाराणसी में, वाराणसी आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट है माही और सोम नदियों के संगम पर देश मनाया जाता है, माही और सोम नदियों के संगम पर बनेश्वर जो उत्सव है ये मनाया जाता है। हरियाणा में हर वर्ष सूरज कुंड शिल्प मेला इस महीने में आयोजित किया जाता है, तो ये फरवरी का महीना है, इस दौरान हरियाणा में हर वर्ष सूरज कुंड शिल्प मेला जो है आयोजित होता है फरवरी में। नेक्स्ट है मौलिद, मौलिद देश त्यौहार का दूसरा नाम है, तो मिलाद उल नबी जो है इसका दूसरा नाम है मौलिद, याद रखिएगा। भारत के कुछ हिस्सों में किसान अपने देश की पूजा करके पोला त्यौहार मनाते हैं, तो अपने बेल की जो है पूजा की जाती है इसमें, पोला जो त्यौहार है इसमें बेल की पूजा की जाती है, बेल की। तो भारत के कुछ हिस्सों में किसान अपने बेल की पूजा करके पोला जो त्यौहार है इसको मनाते हैं। ईसाई समुदाय द्वारा जीसस क्राइस्ट के जन्म उत्सव में के उत्सव के रूप में मनाया जाने वाला वार्षिक जो त्यौहार है क्रिसमस, इसको कब मनाया जाता है, तो 25 दिसंबर आप सभी को बताइए क्रिसमस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है शहीदी सभा त्यौहार देश राज्य द्वारा मनाया जाता है, तो पंजाब राज्य द्वारा मनाया जाता है, शहीदी सभा त्यौहार पंजाब राज्य के द्वारा मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देश कुर्ग के कोडव समुदाय का फसल पर्व है, तो पुट्टारी है, पुट्टारी कुर्ग के कोडव समुदाय का फसल पर्व है, याद रखिएगा। एमटीएस का क्वेश्चन है आपका 2021 का। अगला क्वेश्चन है देश को मनाने के दौरान मक्खन दही इत्यादि से भरी मटकी को जमीन से ऊपर टांग दिया जाता है और लोग मानव पिरामिड बनाकर इसे तोड़ने का प्रयास करते हैं, तो जन्माष्टमी है। अभी हमने सेम क्वेश्चन आपका देखा है, आपको थोड़ा सा पैटर्न हो सकता है चेंज देखने को मिल जाए, बट क्वेश्चन वही रहेगा। अब वो वाला क्वेश्चन इसमें थोड़ा सा जमीन और आसमान का अंतर तो है नहीं, है ना, थोड़ा सा अंतर है जरा सा, अगर आप थोड़ा सा क्लू लगा लेंगे अपने दिमाग से तो आसानी समझ जाएंगे। वही इस क्वेश्चन में किया गया है, इसको थोड़ा सा इसका फॉर्मेट चेंज किया गया है, क्वेश्चन वही का वही है, आसानी से आप बता देंगे सभी आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, नवरात्रि के 10वें दिन को दशहरा या विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है। तो शरद नवरात्रि के दसवें दिन को दशहरा या विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है राठवा ने घेर, अब ये आपसे पूछे राठवा ने घेर गुजरात की राठवा जनजाति द्वारा किसके अवसर पर किया जाने वाला एक नृत्य है, तो ये होली के अवसर पर किया जाने वाला एक नृत्य है, राठवा ने घेर इसका नाम है, गुजरात की जो राठवा जनजाति है इसके द्वारा ये होली के अवसर पर किया जाता है, तो ये एक नृत्य है, ध्यान रखिएगा राठवा ने घेर। अगला क्वेश्चन है हमारा, देश हर साल फरवरी में शिल्प ग्राम में मनाया जाता है, तो हर साल फरवरी में शिल्प ग्राम में क्या मनाया जाता है, ताज महोत्सव मनाया जाता है, ताज महोत्सव। अगर गाइज आपने एमपी की पटवारी एग्जाम दी होगी तो उसमें भी ये क्वेश्चन एज इट इज बना था, शिल्प ग्राम वाला, ताज महोत्सव जो है कहाँ पर मनाया जाता है, शिल्प ग्राम में मनाया जाता है, इस तरह से उसमें क्वेश्चन बना था। SSC में भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है, तो याद रखिएगा MTS 2021 का क्वेश्चन ये आपका, अच्छे से आप देख कर जाएगा। मस्तान साहब अली की दरगाह पर आयोजित होने वाला मेला आपको बताना है कौन सा है, धमोनी उर्स है जो कि मध्य प्रदेश के सागर में है, मस्तान साहब अली की दरगाह पर आयोजित होने वाला मेला है, धमोनी उर्स के नाम से ये जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, देश एक जैन त्यौहार है जो श्वेतांबर समुदाय के द्वारा 8 दिनों के लिए मनाया जाता है और दिगंबर समुदाय द्वारा दसल लक्षण पर्व के रूप में 10 दिनों के लिए मनाया जाता है, तो ये पयूर्सन पर्व है, पयूर्सन पर्व इसको नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देश त्यौहार को मणिपुरी नववर्ष के नाम से भी जाना जाता है, तो ये चेरोब है, चेरोबा जो त्यौहार है इसको मणिपुरी नववर्ष के रूप में भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, नंदा देवी मेले का आयोजन कुमाऊं क्षेत्र में हर साल देश के महीने में किया जाता है, सितंबर महीने में किया जाता है नंदा देवी मेले का आयोजन, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योसांग नामक त्यौहार देश राज्य के में पारंपरिक रूप से मनाया जाता है, तो मणिपुर में मनाया जाता है, योसांग नामक त्यौहार मणिपुर में पारंपरिक रूप से ये मनाया जाता है। कावेरी संक्रमण अक्टूबर महीने के देश में मनाया जाने वाला एक त्यौहार है, तो कर्नाटक में, कावेरी संक्रमण अक्टूबर महीने में कर्नाटक में मनाया जाने वाला एक त्यौहार है। अगला क्वेश्चन है हमारा, देश त्यौहार सूर्य भगवान और उनकी पत्नी उषा को समर्पित है, छठ पूजा जो त्यौहार है ये समर्पित है सूर्य भगवान और उनकी पत्नी उषा को, तो याद रखिएगा छठ पूजा, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है जितिया गिरी विहार, सांची में मनाया जाने वाला एक पर्व है, तो ये बौद्ध, याद रखिएगा सांची किससे रिलेटेड है, सांची है बौद्ध धर्म से रिलेटेड, सांची के स्तूप बौद्ध धर्म से रिलेटेड आपको देखने को मिलता है वहां पर। तो थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, आसानी से क्वेश्चंस को सही कर देंगे, अगर ऐसे भी नहीं पता है आपको तो। जितिया गिरी विहार सांची में मनाया जाने वाला एक बौद्ध पर्व है। अगला है लोक रंगमंच रूप रनमाले पारंपरिक रूप से किस राज्य से संबंधित है, रनमाले यह है गोवा से रिलेटेड, गोवा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लोक रंगमंच रूप है ये रंगमाले, तो गोवा आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है सिग्मोत्सव मूल रूप से जनसाधारण त्यौहार है, जनसाधारण का त्यौहार है जिसे फागुन यानी कि मार्च के महीने में पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, ये जो त्यौहार है किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये सिग्मोत्सव मनाया जाता है। डायरेक्टली भी आपका एसएससी में क्वेश्चन बन चुका है जीडी में, सिग्मोत्सव किस राज्य का त्यौहार है, तो गोवा का है, और वहीं आपसे ये पूछा है कि सिग्मोत्सव। अब यहाँ पर थोड़ी सी डिटेल और बढ़ा दी है आपको ताकि आपको क्वेश्चन को सोल्व करने में और आसानी हो पाए, इसीलिए ये जितनी ज्यादा आपको डिटेल आपको दे रखेंगे उतनी हेल्प आपको मिलेगी। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन जितनी ज्यादा डिटेल होगी उतना बड़ा होगा, जितना उतना डिफिकल्ट होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, उतना आसान होता चला जाएगा जितनी ज्यादा डिटेल आपको देखने को मिलेंगे। अगला है एक छाया कठपुतली थिएटर परंपरा थोलू बोमलता है ना, बोमलता थोलू बोमलता किस राज्य से संबंधित है, तो ये आंध्र प्रदेश आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। भारत का देश राज्य सुंदरेश्वर महोत्सव मनाता है, तो ये केरल राज्य मनाता है सुंदरेश्वर महोत्सव, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा एंथूरियम त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये मिजोरम में मनाया जाता है एंथूरियम त्योहार, एमटीएस का 2021 का क्वेश्चन ये है। सिक्किम में मनाया जाने वाला एक त्योहार द्रुक्ता सेची है ना, इसका नाम है द्रुक्ता द्रुक्पा सेची है ना, तो याद रखिएगा द्रुक्ता सेची किस राज्य किससे संबंधित है, भगवान बुद्ध से रिलेटेड है ये। बाण गंगा महोत्सव का संबंध किस राज्य से है, तो महाराष्ट्र से बाण गंगा महोत्सव का, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा ओडिशा में त्योहार मनाया जाता है, ये नवल नवकलेश्वर आपको याद रखना है, नवकलेवर इसका नाम है, और ओडिशा में एक त्यौहार है, एसएससी एमडीएस 2021 का क्वेश्चन ये है। अगला क्वेश्चन है त्यौहार को किस त्यौहार को योग्यता का महीना या मंथ ऑफ मेरिट्स कहा जाता है, और इसे मई जून के मध्य में मनाया जाता है, सागा दावा जो त्यौहार है इसको योग्यता का महीना या मंथ ऑफ मेरिट्स कहा जाता है, और इसे मई जून में मध्य में मनाया जाता है, सीजीएसएल में आपका 2021 में पूछा गया था। असम में काटी बिहू पर्व को डेस्क के पौधे पेड़ पौधे के सामने दीप जलाकर मनाया जाता है, तुलसी तुलसी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। काटी बिहू जो है ये असम में बेसिकली मनाया जाता है, काटी बिहू ही इसका नाम है, तो असम आपका करेक्ट आंसर यहां से हो जाएगा, यानी कि तुलसी पौधे में जलाकर। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रजनन क्षमता और बेहतर भाग्य के लिए झारखंड में मनाया जाता है जावा त्यौहार मनाया जाता है, जावा त्यौहार ये प्रजनन क्षमता और बेहतर भाग्य के लिए झारखंड जो राज्य है यहाँ पर मनाया जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हिंदू कैलेंडर के अंतिम महीने में डेस त्यौहार मनाया जाता है, हिंदू कैलेंडर का जो अंतिम महीना है इसके दौरान होली का जो पर्व है, होली जो त्यौहार है ये मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा अर्तुकल फिस्ट या वेट्टुकुड उत्सव किस राज्य में चर्च द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है, तो केरल राज्य में चर्च द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है ये। गुजरात का पशु व्यापार पर्व एनिमल ट्रेडिंग जो फेस्टिवल है ये कौन सा, इसका नाम है वोथा मेला, गुजरात का पशु व्यापार पर्व ये है। तमिलनाडु के त्योहारों में से देश भगवान मुर्गा को समर्पित है, तो ये थाई पुसम याद रखिएगा, तमिलनाडु के त्योहारों में से थाई पुसम जो है ये भगवान मुर्गा को समर्पित है, थाई पुसम करेक्ट आंसर रहेगा। बसंत का त्यौहार अली आई लिगांग किस राज्य से रिलेटेड है, तो असम से ये आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंजाब का तीज यानी तिया त्यौहार किस ऋतु की शुरुआत में मनाया जाता है, तो वर्षा ऋतु की शुरुआत में मनाया जाता है। यहाँ पर गाइस देखिए यहाँ पर हमने जो है 200 क्वेश्चन आपको कवर करवा दिए हैं यहाँ पर, और आई थिंक आपको आइडिया लगा होगा कि कितने इंपॉर्टेंट लेवल के क्वेश्चंस आपको कवर करवा पा रहे हैं, है ना। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चाहते हैं कि लगातार हम इस सीरीज को कंटिन्यू करवा पाएं, और हमारे पास में ऐसे 10 से अधिक टॉपिक्स हैं जिन पर आपके एग्जाम में भर भर के क्वेश्चंस आते हैं, बात करें एसएससी सीजीएल की, एसएससी एमटीएस की, एसएससी जीडी की, या एसएससी की अन्य किसी एग्जाम की, भर भर के यहीं से इलेक्ट्रिक टॉपिक है, टॉप 10 टॉपिक हमने निकाले हैं आपके लिए। वैसे तो 50 टॉपिक आपको देखने को मिल जाएंगे, बट ये जो 10 टॉपिक है ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको हर शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चंस बनता है, क्लियर है। तो अगर ऐसा इनको कंप्लीट कर लेते हैं गाइस, तो आप गारंटी के साथ कह सकते हैं कि एक सिंगल क्वेश्चन आपका यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, पूरा का पूरा। एग्जाम्स पहले हम पूरी प्लानिंग के साथ में है उसको कवर करवाने के लिए, अगर आप चाहें तो हम पूरा कवर करवा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जरूर से टेलीग्राम को ज्वाइन भी कर लीजिएगा, इसके पीडीएफ मिल जाएगी, अच्छे से रिविजन करिएगा और अच्छे से एग्जाम दीजिएगा। बट उससे पहले आपका एक फर्ज बनता है कि आपको कमेंट में कमेंट करके बताना है सीरीज को कंटिन्यू करवाना है, तो कमेंट में कमेंट करके जरूर से बता दीजिएगा, साथ ही वीडियो कैसा लगा इसका भी कमेंट में कमेंट करके जरूर से बताएगा, साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया करेगा, ज्यादा ज्यादा सपोर्ट करें, शेयर करें, ताकि हम सीरीज को पूरा कवर करवा पाएं, आपको सारे इंपॉर्टेंट लेवल के क्वेश्चन एग्जाम से पहले कवर करवा पाएं, क्लियर है।
ये हमारी सीजीएल की स्पेशल टेस्ट सीरीज है गाइस, पूरे नए पैटर्न पर बेस्ड है पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज। सबसे अधिक टेस्ट यहाँ पर डाले और सबसे कम प्राइस में ये आपको अभी मिल रही है स्पेशल ऑफर के तहत। लिमिटेड टाइम के लिए स्पेशल ऑफर है, डेमो चेकआउट नहीं किया था एप्लीकेशन पर डाला है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, जाकर चेकआउट कर सकते हैं। क्लियर है? कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है तो इन नंबर पर भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो स्पेशल ऑफर चल रहा है, नाम मात्र के शुल्क पर अभी आपको मिल रही है, लिमिटेड टाइम है। थोड़े से अगर आप लेट होंगे तो हो सकता है ये ऑफर आपके हाथ से निकल जाए, इसलिए जल्दी करें, लिमिटेड टाइम के लिए ही ऑफर निकाला गया है। ये हमारी एस एस सी एम टी एस की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, सेम इसमें भी 500 से अधिक टेस्ट है, सारी चीज़ें दुनिया भर की, बिल्कुल नाममात्र के शुल्क पर आपको स्पेशल ऑफर के तहत अभी मिल रही है, तो लिमिटेड टाइम है, जल्दी कर सकते हैं। ये हमारी एम पी एस आई की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, इस पर भी सेम ऑफर चल रहा है, लिमिटेड टाइम है, जल्दी कर सकते हैं। और ये हमारी स्पेशल पी डी ए पे गाइस, क्लियर है? इसके लिए आपको क्या करना है, हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, या फिर टेलीग्राम से अगर आप कनेक्टेड है, और कनेक्टेड नहीं है जो लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिख के यहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। और जिन लोगों ने व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन किया है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि व्हाट्सअप चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर भी लगातार अपडेट्स आपको दिए जा रहे हैं, आपकी एग्जाम से रिलेटेड, वैकेंसी से, करंट अपडेट से रिलेटेड, या करंट अफेयर से रिलेटेड, हर एक तरह से करंट की जो जो चीज़ें हो रही है, जो चीज़ें अभी देखिए ममता बनर्जी सरकार है पश्चिम बंगाल में, इन्होंने एक एंटी रेप बिल जो है ये पास किया अपराजिता नाम से, उसकी का क्या खास बात है, उससे रिलेटेड हो सकता है आपकी सीजीएल में क्वेश्चंस बन जाए, नहीं तो एमटीएस में बन जाए, इसलिए सारी चीज़ें हम व्हाट्सअप चैनल पर भी अपडेट कर रहे हैं, आप जरूर से जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसके भी लिंक हमने डाल दिए। क्लियर है? तो ये चीज़ें हैं गाइस, अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और आपसे रिक्वेस्ट के साथ साथ आपको एक काम और करना है कि इस वीडियो को शेयर भी करना है अपने दोस्तों के साथ, ताकि हमें सपोर्ट मिले, मोटिवेशन मिले, आपके लिए और अच्छे से अच्छी वीडियोस हम लेकर आने की कोशिश करते रहें। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।